हे गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो और वेलकम टू ऑन के दिस रिपोर्ट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं इनका। आप देख रहे हैं आपका प्रोडक्ट चैनल एनकर दिस रिपोर्ट। गाइस, आप कमाई बार फिर से आ गए। आप क्लिक नए और लेकर और आज की वीडियो में आपके लिए बिल्कुल नई लेटेस्ट कंपनी लेकर आया हूं, जहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, आप यहां पर होम लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं। साथ ही आप यहां पर अर्निंग भी कर सकते हैं, घर बैठे हुए आप यहां पर कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए तक का
सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी आप यहाँ पर घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। कैसे आपको अर्निंग करनी है, कैसे लोन लेना है, सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, और अगर आप पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी जहाँ पर आप ले सकते हैं लोन, प्लस आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस एक लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है मेगा माइंड, बिल्कुल न्यू एंड लेटेस्ट कंपनी। यहाँ पर आप ले सकते हैं लोन, प्लस आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले इसके अंदर साइन अप करना है आपके मोबाइल नंबर से, ठीक है। जब आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालते हैं आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ऑक्यूपेशन, ठीक है, और आपकी सिटी, ये सबको डालने के बाद आपने इसको सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह देखने को मिलने वाला है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है, ये एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। सबसे ऊपर आप यहाँ पर सकते हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पर पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, और आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा डैशबोर्ड है वो है अर्निंग का, आप यहाँ पर कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रुपए तक। कैसे आपको अर्निंग करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, वीडियो की बिल्कुल मत करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। सो गाइस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर चार टैब दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट टैब वो है डैशबोर्ड का, सेकंड टैब ऑफर का, ठीक है, और जो तीसरा टैब वो है माय लीड का, और जो आखिरी टैब है वो है सर्विस का। तो गाइस आपने सर्विस में क्लिक करना है। सो गाइस जैसे आप सर्विस पर क्लिक करते हैं आपके सामने जो पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके से होने वाला है। आप यहाँ पर होम लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोन ले सकते हैं आप यहाँ पर, मैकेनिकली लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपने पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पर्सनल लोन की कुछ डिटेल है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, एड न्यू लीड पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप एड लीड पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसके अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिसमें आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पूरा कंप्लीट नाम डाल देना है। नाम वही डालना है जो आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड के अंदर हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपकी एज कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपकी स्टेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोन अमाउंट डाल देनी है, कितना लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, ठीक है, 1 लाख, 1.5 लाख, 50 हजार, जो भी लेना चाहते हैं आपको यहाँ पर वो डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करनी है, यानी आप यहाँ पर कौन सा लोन लेना चाहते हैं, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, पर्सनल लोन, जो भी लेना चाहते हैं आप यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन पर आपने टैप कर देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है, आप सैलरीड है या फिर नॉन सैलरीड है, जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे कमेंट्स में लिखना है कि भाई आप क्यों लोन ले रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ लिखना है और आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन आपको कहां पर दिखाई देगी, माय लीड में। जैसे आप माय लीड में जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन दिखाई देगी। आप यहाँ पर देखते हैं नहीं, यहाँ पर एक एप्लीकेशन अभी सबमिट है जो भी प्रोग्रेस में है, ठीक है, और अगर आपकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो नीचे रिजेक्ट में दिखाई देगी, और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आपको अप्रूव में दिखाई देगी, और आपको लोन जब मिल जाएगा तो डिस्बर्सर में आपको लोन दिखाई देगा। गाइस मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लोन जो है आपको ये कंपनी नहीं देने वाली है, आपको जो लोन देगा वो है बैंक। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पर बैंक लोन देने वाला है। इस कंपनी के साथ तकरीबन 30 बैंक की पार्टनरशिप है। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी सीधा बैंक के अंदर, बैंक अगर चाहेगा तो आपको लोन दे देगा, नहीं चाहेगा तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। सो आप इस तरीके से तो लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ आपने अर्निंग कैसे करनी है। गाइज आप यहाँ पर जिस चीज के लिए भी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, चाहे आप लोन के लिए कीजिए, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के लिए कीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया तो उस पर आपको यहाँ पर 1000 रुपए का कैशबैक मिलेगा, यानी आपकी अर्निंग 1000 रुपए की हो जाएगी। लोन तो आपको बैंक देगा लेकिन ये जो कंपनी आपको ये देगी 1000 रुपए, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पर डैशबोर्ड में जाइए। जैसे आप डैशबोर्ड में आते हैं आपने स्क्रोल डाउन करना है,
स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेफर एंड अर्न का। आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन को रेफर करना है अपने दोस्तों के पास, चाहे फेसबुक के जरिए कीजिए, चाहे व्हाट्सएप के जरिए कीजिए, चाहे आप जैसे भी कीजिए। जैसे आप इसको रेफर करेंगे, एक रेफर के आपको 100 रुपए मिलने वाले हैं। मान लीजिए आपने एक दिन में 10 रेफर कर दिए तो आपको यहाँ पर 1000 रुपए करनी हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं जितने भी ज्यादा रेफर आप करेंगे उतनी अर्निंग आपको यहाँ पर होने वाली है। और ये सबके लिए है, चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे हुए। और जो भी आप अर्निंग करेंगे वो आपकी आपकी वॉलेट के अंदर आ जाएगी। उसको आप चाहे अपने पेटीएम से ले सकते हैं, चाहे अपने बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, आप इस तरीके से यहाँ पर लोन की अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ पर अर्निंग भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी वीडियो मेगा माइंड पर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये भी समझ आ गया किस तरीके से आपने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको यहाँ पर अर्निंग करनी है, ये भी आपको पता चल गया होगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार देख रहे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।